हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। आज फ्रेंड ये देखिए, आप देखिए, एक 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 पत्ता जो है मेरा, एक एक टहनी, मतलब इतनी फूलों से भरी हुई है कि बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। आप ये देखिए, और इस बार मुझे अपनी इस पेड़ पे पूरे बम्पर फ्रूटिंग की उम्मीद है। ये देखिए, ये जो है फ्रेंड, जैसा कि आपको देखने में आ रहा होगा, ये मेरा जो है नींबू का पेड़ है। ये मेरा 2 साल पुराना पेड़ है, 2 साल पहले मैं इसको लेके आई थी। लास्ट ईयर जो है बहुत कम, कहीं कहीं जो है मेरी इसमें फ्लारिंग हुई थी, और उस थोड़े से फ्लारिंग के बावजूद भी जो है मेरे इस लेमन ट्री पे जो है 4 से 5 नींबू मुझे मिल गए थे। तो अब जो है, अब इस बार तो आप देख ही रहे होंगे कितनी बम्पर उसमें जो है, इसमें फ्लारिंग हो रखी है बम्पर मात्रा में। देखिए, ऐसा आपको पेड़ का कोई भी एक ऐसा टहनी नहीं मिल रही होगी, दिख रही होगी, जिसमें फ्लारिंग ना हो। और बहुत अच्छी वाली जो है, ये देखिए आप, बहुत अच्छी वाली और हेल्दी वाली जो है फ्लारिंग हो रखी है। तो मैंने क्या किया मैंने, जो मेरी इस नींबू के पेड़ पर इतनी ज़्यादा बम्पर मात्रा में फ्लारिंग आई है, और नेचुरली है बम्पर मात्रा में मुझे फ्रूटिंग भी प्राप्त होगी, तो मैंने क्या किया है। बने रहे मेरे वीडियो में और देखें आगे कि क्या क्या मैंने इस अच्छी वाली फ्लारिंग को पाने के लिए किया है। ये मेरा लेमन ट्री है। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, पहले जो है मेरा ये लेमन ट्री छोटे वाले गमले में, यानी कि 14 इंची के गमले में लगा था, अब मैंने उसको शिफ्ट किया अपने 22 इंची के गमले में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको इसमें लेमन ट्री में अगर आपको ज़्यादा फ्लारिंग और ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए, तो आपको इसे स्पेस, मतलब इसका स्पेस बढ़ाना होगा, इसको थोड़े बड़े गमले में आपको शिफ्ट करना होगा। दूसरी बात क्या है कि मैंने इसमें बहुत कम मात्रा में जो है वाटरिंग करनी है आपको, बहुत कम मात्रा में। जैसे ही जो है आपको लगने लगता है कि अब जो है लेमन में फ्लारिंग का टाइम आ गया है, तो आपको इसका वाटर जो है आधा कर देना है, बहुत कम। जैसे अगर आप इसमें डेली वाटरिंग करते हैं, तो आपको दूसरे या तीसरे दिन इसमें वाटरिंग करनी है। देखिए कितने सुंदर फ्लावर लग रहे हैं, लुक्स लाइक अ पर्ल्स, एक मोतियों की तरह है, जैसे कुदरत ने मोतियाँ सजा दी हों पेड़ पे। तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है इसको देख करके, तो लगा चलिए आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको जो है, जैसे ही आपका प्लांट फ्लारिंग पे आने, फ्लारिंग वाले मोड में आने लगे, या फ्लारिंग का समय आने लगे प्लांट में, लेमन प्लांट में स्पेशली, तो आपको इसमें वाटर कम कर देना है। वाटर बिल्कुल दूसरे तीसरे दिन में जाकर के आपको, जब आपको लगे कि इसकी सॉइल जो है ड्राई हो रही है, तभी आप इसमें वाटरिंग करें, अदरवाइज इसमें वाटरिंग ना करें। और जो है आपका पॉट जो है, ये वेल ड्रेन होना चाहिए, सॉइल जो है इसकी ड्राई होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी इसकी सॉइल को जो है आप गीला ना होने दें, या नमी ना रहने दें पॉट में। पॉट की जो सॉइल है वो अच्छे से जो ड्राई रखें उसको, जिससे कि है फ्लावर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिले। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, जैसे ही फ्लारिंग होने लगे, एक NKP का आप या तो आप घर में कंपोस्ट बना सकते हैं, या आप मार्केट से NKP की एक खाद होती है, उसको ला करके हल्का सा जो है प्लांट की रूट में डाल दें, या ब्रह्मी कंपोस्ट। आप देखिए, मैंने इसमें ब्रह्मी कंपोस्ट डाला है, हल्की सी इसकी गुड़ाई करके इसमें ब्रह्मी कंपोस्ट डाल दिया है, जिससे कि जो है मेरा जो ये प्लांट है, इसे फ्रूटिंग करने में थोड़ा सा जो है ईजी हो जाए, और ये सारे जितने मेरे फ्लावर्स हैं, ये सारे फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएँ। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लारिंग प्राप्त कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग प्राप्त कर सकते हैं। बस यही कुछ खास टिप्स थे आपका, बस इसका 2-3 चीज़ें जो है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक तो आपको इसके सॉइल को बहुत ड्राई रखना है, आपको देखना है कि अगर सॉइल में नमी है तो आप वाटरिंग बिल्कुल ना करें, और जब बिल्कुल सॉइल आपको ड्राई लगने लगे, तभी आप प्लांट में वाटरिंग करें। और दूसरा, जो पॉट हो वो वेल ड्रेन हो, जिसमें से आराम से जो है पानी ड्रेन हो जाए। और दूसरा, जैसे ही प्लांट फ्लारिंग करने लगे, उसमें एक NPK का छिड़काव ज़रूर दें, या तो आप घर में बना लीजिए खाद NPK, मतलब नाइट्रोजन
फॉस्फोरस और पोटेशियम, है ना। इस तरीके से जो है आप इन तीनों चारों चीज़ों का, तीनों चीज़ों का इसमें छिड़काव ज़रूर करें। और बाद में जैसे ही आपको लगे कि मेरे प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो गई है, तो हल्की सी गुड़ाई करके उसमें बर्मी कंपोस्ट ज़रूर दें। या आपने अगर होममेड आपकी खाद है, होममेड खाद के लिए आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कि घर पर खाद कैसे बनाएं, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स किए हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।